पहले आज हम डिस्कस करते हैं, आज हमारी वीवीए मैक्रोज की दूसरी क्लासेस है और आपके साथ हम वीवीए के कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब भी प्रोग्राम बनाने से पहले हम उसकी एल्गोरिथम तैयार करते हैं। अब एल्गोरिथम क्या होता है? अब जैसे कि सनमान अंसारी जी ने अपना एक प्रोजेक्ट बताया कि सर मुझे फलाना 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 काम करना, तो मुझे वो सारे चीज याद थोड़ी रहेंगे, तो मैं क्या करूंगा उसको एक स्टेप में लिख लूंगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक मान लीजिए सिंपल कि मुझे यहाँ पे नेम, रोल नंबर और मार्क्स तीन चीजें लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहां दूंगा स्टार्ट सिलेक्ट A1, एंटर नेम सिलेक्ट V1, एंटर रोल सिलेक्ट C1, एंटर। ठीक है, तो समझ में आया सर कि आखिर एल्गोरिथम क्या होता है? सचिन जी, सनवाद जी, तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोग्राम, जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं उसके बेसिकली तीन चार स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं एनालाइज। पहला होता है एनालिसिस कि आप पहले जो है आप क्या कर रहे हैं कि पहले आप ये करते हैं कि एनालाइज करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से इसको यूज करना है। पहले इस तरह से एनालाइज करते हैं, उसका शॉर्ट वे आप निकालते हैं, समझ गए। फिर दूसरा पार्ट होता है एल्गो, उसकी एल्गोरिथम इस तरह से स्टेप में निकाल दो ताकि उसको स्टेप छूट ना जाए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमने एंटर नेम कर दिया और सिलेक्ट करना भूल गए, तो जहां कर्सर होगा एक्टिव शो होगा वहीं पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग चलती है कि पहली जो कंडीशन है उसमें पहले फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद दूसरा आता है कोड। तो कोड जो है हम उसकी कोडिंग करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करते हैं उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो यहां पे एनालिसिस, एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड अप्लाई। टेस्टिंग करने के बाद कोई एरर आता है तो उसके यहां पे हम कर सकते हैं रिकोडिंग। और अगेन टेस्टिंग। तो एक प्रोसेस होता है, उस पर फॉलो करने पे आपकी प्रोग्राम हमेशा 100% सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज क्या होगा कि कोड करोगे, एक बार कोड करोगे कुछ छूट जाएगा, तो दोबारा कोड करोगे फिर छूट जाएगा, फिर दोबारा कोड करोगे कुछ छूट जाएगा, तो इस तरह से एरर्स होते रहेंगे।
समझ गया। उसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट है और नेक्स्ट ये है कि प्रोग्राम करने से, कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले हम किस किस चीजों पे ध्यान दें। तो कुछ चीजें हैं उस पे ध्यान देने जरूरी लाइक चीजें हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो माइक्रो, हमारे पास डेवलपर का टैब होना चाहिए। तो डेवलपर का टैब अगर आपके पास नहीं है तो फाइल के ऑप्शन मेनू बार में अगर आप जाते हैं तो यहाँ क्विक एक्स, यहाँ पे माफ कीजिए कस्टमाइज रिबन में जाके आप इसको ला सकते हैं। ठीक है, यस सर। दूसरा, आप अपनी माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर लें। और तीसरा, जब भी आप फाइल को सेव करेंगे वो हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में होना चाहिए। अगर गलती से जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है एक्सेल वर्कबुक, अगर आपने इस पे सेव कर दिया तो आपका माइक्रो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक को सिलेक्ट कीजिएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें जल्दीबाजी में, हम 2-2.5 घंटे की मेहनत करते हैं और जल्दीबाजी में हमें गलती से सेव इस पे हो जाता है और पूरा माइक्रो लॉस्ट हो जाता है। इसका सोल्यूशन है कि आपसे गलती ना हो तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन के अंदर में, हमारे पास सेव के अंदर में माइक्रो अनेबल वर्कबुक होता है। माइक्रो अनेबल वर्कबुक, इसका ध्यान रखिएगा कि ये आपका सिलेक्ट हो, समझ गए? ये चीजें जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, कि हम माइक्रो को डिक्लेयर कैसे करें। तो विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए, ये जो विंडो खुल के आता है इसको बोलते हैं VBE, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, समझ गए? VBE, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जितने भी प्रोग्राम हम करते हैं ना उसका यहाँ पे लिस्ट होता है। यहाँ पे दो चीजें इसमें जरूरी है। पहली, आपकी प्रोजेक्ट, मतलब कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जो कि यहाँ इस पे क्लिक करने से आता है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, जहाँ से आप नेविगेट करते हैं अलग अलग टैब पे, जैसे मॉड्यूल फीट में आपको कोडिंग कहाँ करनी है उस पर हम नेविगेट करते हैं। और यहाँ पे जितने फाइल खुले हैं उसके और एडिशन देख रहे, यहाँ पे आपका ये फंकास्ट करके आ रहा है XML या यूरो टूल, ये XML है, सॉरी एडिंस है, इसको एडिंस कहा जाता है। तो एडिंस का लिस्ट और जो भी फाइल आपकी खुलेगी उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट? तो अब और यहाँ जो सामने दिख रहा है इस पर हम कोड करते हैं, क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। एक और चीज जरूरत पड़ती है, वो होती है प्रॉपर्टी। यहाँ से प्रॉपर्टी ला सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो है हमेशा नहीं चाहिए होता है तो उसको हटा देते हैं, राइट? अब कोडिंग हम कहाँ पे करेंगे? तो देखिए, हम यहाँ C3 पे भी जाके कोडिंग कर सकते हैं, जो भी कोडिंग करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हर बार हम इसी पे कोडिंग करेंगे C1 C2 पे दिक्कत जाएगी। तो हम C1 C2 C3 पे कोडिंग, सीट्स के नेम है इस वक्त पे कोडिंग नहीं करते, क्योंकि तो फिर क्या होता है कि इसकी की कोडिंग इसी के सेव होता है। मान लो कि C1 में जाके कोई प्रोग्राम लिख दिया तो C1 में ही ए हो जाता है। तो कोडिंग करेंगे कहाँ पे? क्योंकि अगर हमने सीट्स पे कोडिंग किया तो सीट डिलीट होते कोडिंग डिलीट हो जाएगी। और दूसरा कि एक सीट पे कोडिंग करेंगे तो दूसरे सीट का रेफरेंस वो नहीं ले पाएगा। तो कोडिंग करने के लिए हमेशा इंसर्ट में मॉड्यूल्स में कोड करते हैं।
कि राजवल का ऑलरेडी रेफरेंस है, इसलिए राजवल नाम का माइक्रो नहीं होना चाहिए। तो थ्री डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया आपको कि माइक्रो नेम क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। सचिन जी, मुकुल जी, ठीक है ठीक है सर, मुझे पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट जो सेशन आता है, नेक्स्ट जो चीज आती है उसके आगे डिस्कस करते हैं कि ये आपका माइक्रो लिखेंगे तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। नहीं, अब इसके अंदर जो कोड करते हैं उस कोडिंग पे भी ध्यान दीजिए। सर स्पेस आता है माइक्रो में? नहीं नहीं डालते स्पेस माइक्रो नेम, माइक्रो नेम में स्पेस नहीं डालते। तो सर आपने राज वन लिख रखा है, इसलिए पूछ रहा हूं। राज वन में स्पेस, राज वन में बता रहा था कि राज वन नहीं लिख सकते, थ्री डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नहीं लिख सकते, मैंने बताया आपको, मैं लिखा हुआ नहीं हूँ मेरा। नेट करने में स्पेस था ना पहले, इसलिए पूछ रहा हूं। हमें बताया था आपको ना स्पेस डाल सकते हो, ना न्यूमेरिक डाल सकते हो, ना स्पेशल डाल सकते हो, कुछ नहीं डाल सकते। मैं डाल के दिखा रहा हूँ कि गलत होगा, अंडरस्कोर आप डाल सकते हो, अंडरस्कोर आप डाल सकते हो। अब नेक्स्ट जो आता है तो आता वो ये है कि कोडिंग हम करेंगे कैसे। देखिए कोडिंग जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आपके ये होते हैं ना, नाउंस होते हैं, नाउंस प्रोनाउंस जो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं। कैसे इसके भी आपके पार्ट्स है कि हम कोडिंग का पहला वर्ड क्या लिखेंगे। कोडिंग जब भी हम करेंगे, मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे फाइल ओपन करना है, ओपन द फाइल। तो फाइल ओपन करने का कोड जो लिखेंगे उसमें किससे स्टार्ट करेंगे, तो चार जो है मेन होते हैं इसमें। एक होता है एप्लीकेशन, सेकेंड होता है वर्कबुक्स, एंड थर्ड होता है शीट्स, एंड फोर्थ होता है रेंज। ये फोर पिलर ऑफ द माइक्रो प्रोग्रामिंग कहा जाता है इसको। इसी आप कोई भी माइक्रो देख लीजिए, इसी से स्टार्ट होता है। देखिए इसके कुछ ये होते हैं, माउस का कर्सर हटाओगे सर, तो एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स एंड रेंज। तो एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स एंड रेंज चार मेन पिलर है। तो कौन सा क्या करना है वो डिपेंड करता है आपके एल्गोरिथम पे। जैसे आपका एल्गोरिथम कहता है ओपन वर्कबुक, तो उसके लिए क्या कोड लिखोगे आप, वर्कबुक्स डॉट ओपन। क्यों? क्योंकि अगर जो एल्गोरिथम कहता, जो एल्गोरिथम बोल रहा है, जो जिसके लिए कोड लाइन लिखनी है, वो लाइन अगर इफेक्ट करती है पूरी एप्लीकेशंस को, तो हम एप्लीकेशंस करेंगे। जैसे कि डिस्प्ले अलाउड जो आता है उसको हटाना है, तो अब डिस्प्ले अलाउड किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए नहीं है, ये पूरी एप्लीकेशंस के लिए है।
तो हम यूज करेंगे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट। ऐसे वर्कबुक डॉट ओपन करना है या वर्कबुक को एक्टिवेट करना है, वर्कबुक को क्लोज करना है, तो किसी फाइल से रिलेटेड होने वाले इवेंट के लिए हम वर्कबुक की कोडिंग करते हैं, वर्कबुक से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब सीट को इंसर्ट करना है, सीट को रिनेम करता है, तो सीट को इफेक्ट कर रहा है, तो हम सीट के उसकी कोडिंग सीट से करेंगे। रेंज एक पर्टिकुलर रेंज पे इफेक्ट कर रहा है तो रेंज पे करेंगे। अब प्रॉब्लम आता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके, समझे? इसकी आता है मतलब इसके मेंबर, जैसे मान लीजिए मुझे वर्कबुक ओपन करना है, तो यहां लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन और यहाँ पे वर्कबुक को फाइल करेंगे। तो आपने देखा कि वर्कबुक्स डॉट ओपन लिखा तो इसमें और भी चीजें, तो ये क्या है? तो आगे पढ़ने से पहले इसके एक बार इसके बारे में इसके डेफिनेशन वगैरह और इसके यूजेस वगैरह जान लेंगे तो आपको सही होगा जानना। तो इस कैसे जानेंगे, तो उस पर आपकी मदद करेगा एक्सेल हेल्प। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। ऐसा क्लिक करने से सीधे चला जाएगा, और अगर आपके पास 2007 है तो हेल्प में चला जाएगा। आपके पास क्या बोल रहे हैं सर? मुकुल बोल रहा हूँ। मुकुल जी आपकी इंटरनेट स्लो है, बार बार आप ऑफलाइन जा रहे हैं सर। हेलो सर, आपकी इंटरनेट स्लो है, आप बार बार ऑफलाइन जा रहे हैं। आप एक बार रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन? हाँ, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अभी आपको 10 मिनट YouTube पे ये भेज दूंगा आपको। सर सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 मिनट में आपके YouTube के साथ भेज दूंगा, ठीक है? क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद। तो यहाँ पे हम ये जो है ना क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो सीधे हमारा एक्सेल हेल्प खुल के आएगा इंटरनेट के जरिए एमएस ऑफिस का। इसमें देखिए, नीचे देखिएगा तो आपको दिखेगा वीवीए रेफरेंस, मैं इसे लिंक का दे दूंगा, और ऑब्जेक्ट मॉडल। अब देखिए यहां पे सारे इसके ऑब्जेक्ट, तो मुझे चाहिए वर्कबुक का ऑब्जेक्ट, तो मुझे ड्रैग करूंगा तो वर्कबुक ऑब्जेक्ट, वर्कबुक ऑब्जेक्ट दो है, देख लीजिएगा। तो ऐसे ही आप जो है ना, ये वर्कबुक का है, ऐसे रेंज का, शीट का, इस सब का रेफरेंस आप एक बार पढ़ देख लीजिए, मैं आपको मेल कर रहा हूं। ठीक है सर सचिन जी, तो वर्कबुक शीट रेंज रेफरेंस ये सारे का आप पढ़ लीजिए। कैसे निकालोगे, लिंक पे पता चल गया आज वर्कबुक का निकाला हमने, नीचे इसको ड्रैग कीजिएगा यहाँ पे इसको, तो आपको सीट्स के इसमें सीट्स के मिल जाएंगे। ठीक है सर, जैसे सीट्स के, रेंज के, एप्लीकेशंस के, सबके एक बार जो है ना इसके एक देख लीजिए, ताकि मैं जब मैं उसको पढ़ाऊंगा ना तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर मेंबर जो है ना पर्टिकुलर तरह से काम करता है, तो ये आपके लिए सुविधा रहेगा। क्या बोल रहे हैं सर? तो इसको देख लीजिए, और हो सकती है कल मैं आपको क्लास दूं, हो सकती है आपको मैं क्लास ना भी दूं। बेसिकली सिस्टर की शादी परसों है, तो कल पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अटेंडमेंट लगना स्टार्ट हो गया है, और गांव में थोड़ी सी धूमधाम से होती है ना।